हेलो फ्रेंड, दिस इज चंदन ठाकुर। वेलकम टू एडिटेक एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम में कैसे एक वर्चुअल सीडी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। ये करना काफ़ी आसान है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह टाइम से मिलती रहे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल सीडी ड्राइव होता क्या है। वर्चुअल सीडी ड्राइव का मतलब ये होता है कि ऐसा ड्राइव जो आपके सिस्टम में फिजिकली अटैच तो नहीं होता, लेकिन वो वर्चुअली आपके सिस्टम से अटैच होता है। आप जब चाहे उसकी मदद से किसी भी ISO फाइल को रन कर सकते हैं और उस ISO फाइल के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस या उस ISO फाइल के अंदर किसी भी तरह के फाइल की कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्चुअल ड्राइव को क्रिएट करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके वीडियो को बड़ी आराम से डाउनलोड कर सकेंगे। आप डाउनलोड करते समय बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आप 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करें। यदि आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आप 64 बिट वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा सिस्टम 64 बिट का है तो मैंने 64 बिट वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। चलिए मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इंस्टॉल करना तो बहुत आसान है, आप भी जानते हैं कि कैसे होता है। बस आपको फ्यू स्टेप पे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करना है और ये बढ़िया आराम से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। देखिए, ये मेरे सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ कि इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। इस टाइम देखिए, इसका यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा आता है। अगर मैं आपको माई कंप्यूटर में जाके दिखाऊँ तो यहाँ आपको कोई भी वर्चुअल ड्राइव इस टाइम में नहीं दिखाई देगा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद भी। इसके लिए आपको अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ और फिर वापस आता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे सिस्टम में ये वर्चुअल ड्राइव क्रिएट हुआ कि नहीं। मैं वापस आ गया अपने सिस्टम पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सिस्टम पे वर्चुअल ड्राइव क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो देखिए, जैसे ही मैंने विंडो ई प्रेस किया और ये मैं मेरे कंप्यूटर में आ गया, यहाँ आपको दिख रहा है एफ ड्राइव से एक सीडी ड्राइव बन गया है जो कि आपके सिस्टम में एक वर्चुअल ड्राइव की तरह काम करेगा। ये फिजिकली आपके सिस्टम से अटैच नहीं है। अब इसमें आप किसी भी ISO फाइल को माउंट या अनमाउंट कर सकते हैं। माउंट का मतलब यह है कि आप किसी भी सीडी ड्राइव को लगा सकते हैं और अनमाउंट का मतलब यह है कि आप किसी भी सीडी ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसे माउंट करके दिखाता हूँ कि ये माउंट कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ नोटिफिकेशन बार में इस वर्चुअल ड्राइव पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ आपको दिखाऊँगा, तो यहाँ आपको माउंट अनमाउंट का ऑप्शन तो मिल ही गया, साथ में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ वर्चुअल ड्राइव सेट कर सकते हैं, वर्चुअल ड्राइव आपके पास कितनी होनी चाहिए, आप डिसेबल रखना चाहते हैं उसे, 1, 2, 3, 4 या अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में वर्चुअल ड्राइव कितनी होगी। तो मैं यहाँ माउंट करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। माउंट करने के लिए जैसे मैंने माउंट पर क्लिक किया, माउंट करते ही ये मेरे से उस फाइल की लोकेशन में आएगा जिस फाइल को मुझे माउंट करना है। तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव की लोकेशन दे दूंगा और यहाँ ISO फोल्डर के अंदर विंडो 7 वाली फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं विंडो 7 वाली फाइल को सिलेक्ट करूँगा तो ये फाइल माउंट हो जाएगा मेरे वर्चुअल ड्राइव के अंदर। आप चाहे तो यहाँ से इस प्रोग्राम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं बस इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर वो फाइल है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, यहाँ आपको विंडो की वो सारी फाइल दिख जाएगी जो कि विंडो 7 की होती है। आप यहां से इन फाइलों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी और लोकेशन पे और चाहे तो यहां भी कुछ फाइलों को ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे अनमाउंट करके दिखाता हूं। अनमाउंट करने के लिए आपको नीचे नोटिफिकेशन बार में वर्चुअल ड्राइव पे राइट क्लिक करना है और अनमाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ से नहीं, मैं आपको इस एप्लीकेशन से अनमाउंट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को खोलना पड़ेगा और यहाँ टूल वाले ऑप्शन में वर्चुअल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अनमाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप अनमाउंट पे प्रेस करेंगे तो माई कंप्यूटर में जो आपकी वर्चुअल ड्राइव है वहाँ से वो ISO फाइल रिमूव हो जाएगी। यहाँ आपको इस एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप CD को बर्न कर सकते हैं, ISO फाइल को बूटेबल बना सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी ISO फाइल को या किसी भी फाइल को ISO में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ सोर्स फाइल की लोकेशन देनी है और यहाँ डेस्टिनेशन देनी है जहाँ आपको वो फाइल चाहिए। तो देखा दोस्तों, ये करना कितना आसान है। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।